तो स्मार्ट टीवी की इंडस्ट्री में इतना कंफ्यूजन है कि कौन सी टीवी ले। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग 40,000 या 50,000 रुपए कोई भी टीवी में दे रहे तो कौन सी टीवी ले, और हर एक ब्रांड के अलग अलग सीरीज है। तो आज की वीडियो में वीयू की दो नई सीरीज को कंपेयर करूंगा, जो है वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की 55 इंच वाली टीवी और दूसरा है वीयू की 55 इंच की पिक्सेलाइट सीरीज। दोनों ही टीवी को कंपेयर करेंगे, बताएंगे सारे फीचर्स, क्या क्या डिफरेंस है, क्या फायदा दे रहा है, क्या है वैल्यू फॉर मनी और कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दोनों ही टीवी को कंपेयर करने के पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की 55 इंच वाली टीवी और वीयू की पिक्सेलाइट 55 इंच वाली टीवी में दोनों ही टीवी में सेम चीज क्या है, ऐसी कौन कौन से फीचर्स है जो दोनों ही टीवी में आपको मिलने वाले हैं। तो दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ 24 वॉट का स्पीकर दोनों ही टीवी में आपको देखने मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इथरनेट पोर्ट मिल जाता है। 60 Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवी में देखने आपको मिल जाएगा। बात कर ले ब्राइटनेस लेवल की, तो दोनों ही टीवी में 450 निट्स का ब्राइटनेस लेवल दिया गया है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी दोनों ही टीवी का 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। तो दोनों ही टीवी 2019 में लॉन्च हुई, कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही महीनों पहले दोनों ही टीवी लॉन्च हुई है और दोनों की दोनों टीवी स्मार्ट टीवी है और दो की दोनों ही टीवी में डायरेक्ट LED यूज हुआ है। और बात कर ले बॉस कंटेंट की, जो दोनों ही टीवी में आपको स्टेबल टॉप और वॉल माउंट दोनों में मिलता है, आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा दो की दोनों ही टीवियों में। और इसी के साथ साथ पावर कंजम्पशन भी दोनों ही टीवी का सेम है, जो कि 160 वॉट का है। और बात कर ले दोनों ही टीवी की प्राइसिंग की, तो प्राइस में 4,000 का फर्क है। वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की 55 इंच की टीवी आती है 42,000 रुपीज की और पिक्सेलाइट वाली जो 55 इंच की सीरीज है उसका प्राइस है 38,000 रुपीज। तो दोनों में 4,000 रुपए का डिफरेंस है। तो ये 4,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना वर्थ है या फिर आपको देना ही नहीं चाहिए या फिर 4,000 रुपए दे के ये प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की टीवी लेनी चाहिए, वो आप डिस्कस करते हैं। दोस्तों दोनों ही टीवी को कंपेयर करने का पहला डिफरेंस होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपको वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको एंड्रॉइड 8.0 देखने मिलेगा, लेकिन पिक्सेलाइट की सीरीज में आपको जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हुआ है। और वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की जो टीवी है वो ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है। तो इसमें आपको अमेजॉन, नेटफ्लिक्स ये सब नहीं चलने वाला, लेकिन पिक्सेलाइट की सीरीज में आपको अमेजॉन, नेटफ्लिक्स सब कुछ चलने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी नहीं है। बात कर ले इसके प्रोसेसर की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में क्वाड कोर प्रोसेसर यूज हुआ है और दूसरी तरफ मैं बात करूं पिक्सेलाइट सीरीज की, तो पिक्सेलाइट सीरीज में आपको डुअल कोर प्रोसेसर यूज किया। तो यहाँ पे प्रोसेसर की पैसे की कॉस्ट कटिंग की गई है, आप सीधा सीधा देख सकते हो, क्योंकि डुअल कोर का जो प्रोसेसर का कॉस्ट है काफी कम होता है एज कम्पेयर टू क्वाड कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पर एक पॉइंट प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज को जाता है। और अब बात कर ले ग्राफिक प्रोसेसर की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में जो ग्राफिक प्रोसेसर यूज है माली 450 यूज हुआ है और पिक्सेलाइट में कोई भी ग्राफिक प्रोसेसर यूज नहीं है, उसके लिए आपका जो बिल्ट इन प्रोसेसर है वही यूज किया जाएगा ग्राफिक के लिए भी। और अब बात कर ले इंटरनल स्टोरेज की, तो आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलेगा वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, लेकिन पिक्सेलाइट सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो यहां पर अगर 4,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको इंटरनल स्टोरेज सीधा सीधा बढ़ के या 4 गुना ज्यादा मिल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं रैम की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको 1.75 GB का रैम देखने मिलेगा और दूसरी तरफ मैं बात करूं पिक्सेलाइट में, तो पिक्सेलाइट में सिर्फ और सिर्फ 1 GB का रैम है। तो यहां पर अगेन पिक्सेलाइट सीरीज माइनस पॉइंट में जा रही है और वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज प्लस पॉइंट में आ रही है। बात कर ले टीवी की UI की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का जो टीवी है वो ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी, तो उसका जो UI है यूजर इंटरफेस वो भी एंड्रॉइड टीवी की तरह है, लेकिन पिक्सेलाइट सीरीज का जो UI है यूजर इंटरफेस आपको लीनियर होम UI देखने मिलेगा। तो UI में भी काफी डिफरेंस है दोनों ही टीवी में। और दोस्तों अगला डिफरेंस होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके। सो वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको डुअल वाईफाई बैंड मिलता है। डुअल वाईफाई बैंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका जो 4K स्ट्रीमिंग कॉन्टेंट है काफी फास्ट होगा। हालांकि पिक्सेलाइट सीरीज में आपको ऐसा कुछ भी डुअल वाईफाई बैंड नहीं देखने मिलेगा, उसमें नॉर्मल वाईफाई दिया गया है।
यहाँ पे अगेन प्लस पॉइंट जाता है प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज को और पिक्सल लाइट सीरीज माइनस पॉइंट में आ जाती है। और बात कर ले इसके रिमोट की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको रिमोट वॉइस एनेबल रिमोट मिलता है विद डेडिकेटेड यूट्यूब बटन के साथ। बात कर लू पिक्सलाइट टीवी के रिमोट की, तो इस टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट तो नहीं मिलता, लेकिन आपको इसके साथ साथ अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब के डेडिकेटेड बटन मिलते हैं और इसमें हॉटस्टार वगैरह सारे के सारे ऐप प्री इंस्टॉल आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए आपको प्रीमियम सीरीज में आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा, लेकिन पिक्सलाइट में ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और बात कर ले टीवी के वेट की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का जो वजन होगा अराउंड 14 किलो के आसपास है, और बात कर लू पिक्सलाइट सीरीज की तो उसका वजन कुछ 16 किलो के आसपास होने वाला है। और दोस्तों अब जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए, और इससे इस पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और वो पॉइंट है पिक्चर क्वालिटी की, कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। ऑफ कोर्स एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आपको जरूर लगेगा कि कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। तो व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में जो पिक्चर क्वालिटी है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज है उसका नाम है प्रीमियम पिक्चर विथ डॉल्बी विजन प्लस HDR10 एंड 4X अपस्केलिंग। सो ये टेक्नोलॉजी करती क्या है बेसिकली, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जो आपकी टीवी के डार्क और सबसे ब्राइट सीन्स होते हैं उसकी क्वालिटी को, कलर को इम्प्रूव करती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसका बढ़ा देती है, जिसके थ्रू आपको कलर्स एकदम रिच दिखते हैं, एकदम विविड दिखते हैं, और आपका एक्सपीरियंस एकदम ही अच्छा होता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको स्मूथ मोशन रेशियो का फीचर मिलता है, जिस स्मूथ मोशन रेशियो एक ऐसा फीचर है, मान लीजिए आप कोई कार रेसिंग का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो कार एकदम फास्ट पास हो रही है तो आपको ब्लर नहीं होगी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं बात करूं पिक्सलाइट सीरीज की, तो पिक्सलाइट सीरीज में पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज है उसका नाम है VOD अपस्केलर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है वीडियो ऑन डिमांड अपस्केलर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जो कलर्स है काफी रिच प्रोड्यूस करके आपको देखने मिलेंगे, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा बहुत ही बहुत अच्छा होगा, कलर आपको काफी विविड दिखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको HDR10 मिलता है जो आपको प्रीमियम सीरीज में भी मिल रहा था, तो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी अगर मैं कंपेयर करूँ तो लगभग सेम ही है, 19-20 का फर्क होगा जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट करना काफी टफ होगा पिक्चर क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों ही टीवी को साथ में लेके कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा, तो पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही टीवी 10/10। और दोस्तों अगला पॉइंट होगा साउंड टेक्नोलॉजी को लेके, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका नाम है डॉल्बी डिजिटल प्लस। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता गया है कि आपका जो साउंड एक्सपीरियंस है बहुत ही बहुत अच्छा होने वाला है, आपको प्रॉपर डेप्थ और बेस आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी में इस टीवी ने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है। और दोस्तों मैं दूसरी तरफ बात करूं पिक्सलाइट सीरीज में, तो पिक्सलाइट में भी साउंड टेक्नोलॉजी सेम ही यूज हुई, जिसका नाम है डॉल्बी डिजिटल प्लस टेक्नोलॉजी, और साउंड क्वालिटी सेम ही रहेगी, लेकिन पिक्सलाइट सीरीज में आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है DTS ट्रू डायलॉग टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, तो मान लीजिए कोई आपका फेवरेट हीरो है, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, या आपकी कोई फेवरेट हीरोइन ही समझ लीजिए, तो इसमें होता क्या है कि अगर वो कोई डायलॉग बोल रहा है और आप रात में टीवी देख रहे हो और आपको चाहिए कि बाकी लोग सो रहे हैं और आपको वॉल्यूम तेज नहीं कर सकते, तो इसमें एक ऑप्शन है लेट नाइट मोड का, जिसके थ्रू आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और डायलॉग्स आपको प्रॉपरली सुनाई देंगे और आपको कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा और आपको ऐसा कभी भी महसूस नहीं होगा कि आप कोई भी डायलॉग मिस कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस टीवी में यूज की हुई है। तो सो बात कर ले टीवी के पैनल की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में जो पैनल यूज हुआ A+ ग्रेड का पैनल यूज हुआ है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं पिक्सलाइट में, तो पिक्सलाइट में हाई ब्राइट A+ USD पैनल यूज हुआ है, तो आई थिंक पैनल काफी अच्छा है पिक्सलाइट सीरीज का। और दोस्तों बात कर ले टीवी के लुक्स और डिजाइन की, तो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का लुक है टाइटेनियम ग्रे स्टाइल वाला, वो काफी अच्छा है, और मैं कंपेयर करूं पिक्सलाइट वाली से, तो पिक्सलाइट के भी बेजल्स थोड़े से पतले हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत जरा भी नहीं है, दोनों के बेजल्स लगभग सेम ही है, तो लुक वाइज दोनों 10/10 और परफेक्ट है, आप उस पर कंफ्यूज मत होइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरे हिसाब से दोनों टीवी अच्छी हैं, अगर आपका बजट
42,000 का है, तो आप ये टीवी कंसीडर कर सकते हो। आप चाहते हो 4,000 रुपए कम ही देना है, तो आपको कुछ ऐसा आप मिस नहीं कर रहे हो। थोड़ी बहुत पॉइंट से हर एक चीज का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है, और ये सारी बजट टीवियां हैं। तो अगर आपको चाहिए कि अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ चले, आपको अच्छा सा रिमोट मिले, जब रिमोट में ही सब कुछ हो, तो आप पिक्सेलाइट सीरीज कंसिडर कर सकते हो। उसकी भी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी काफी अच्छी, हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। और आप चाहते हो कि आपको प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज के फैन हो, या उसका कुछ ऐसा फीचर जो आपको भा गया है, आपका वही मन है, तो आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4,000 रुपए का फर्क है, और ये टीवी आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये अमेजोन पे भी आने वाला है, ऐसी अपडेट हमें व्यू की तरफ से मिल चुकी है। तो जैसे ही मिलेगी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में भी पढ़ सकते हो इस टीवी के बारे में। तो दोस्तों, मेरी कोशिश पूरी थी कि इस वीडियो में आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूं, ऐसा कोई भी पॉइंट मिस ना करूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो टीवी परचेस करते वक्त या सही प्रोडक्ट खरीदते वक्त। फिर भी अगर मुझसे अगर कोई पॉइंट मिस हो गया रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई तो आपको दे रहा हूं। आपको सभी को पता है, हमारे जितने भी हमारे हैप्पी गाइड फैमिली मेंबर्स है, हमारे सब्सक्राइबर है, या हैप्पी स्क्वाड्स बोल सकते हो। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग नए हैं, उनसे हमारी हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी आपको अपडेट मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है, ट्रैवल कर रहा हूं, सारे अपडेट्स इंस्टा पे भी आते रहते हैं। बाय बाय।